सो क्या आप भी जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा? एंड इतने सारे कैरेक्टर्स आने के बाद जो प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनके लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन फ्री फायर। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस को तीन कैटेगरी में बांटा है। नंबर वन है रशर्स, जो ज्यादा रश करके खेलते हैं एंड उनको कैंपिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड सेकंड है हीलिंग, जो लोग हीलिंग पैटर्न करते हैं या फिर उन्हें हीलिंग कैरेक्टर के बारे में जानना है। एंड थर्ड है स्ट्रेटेजिक गेम प्ले, जो प्लेयर ज्यादा स्ट्रेटेजी से खेलते हैं एंड स्ट्रेटेजी बना के पूरा गेम खेलते हैं, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उनके लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रशर्स के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सो फ्रेंड्स कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने से पहले आप कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में कोई भी एक्टिव स्किल ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के पास वुकोंग होगा और किसी के पास आलोक होगा या फिर किसी के पास स्काइलर होगा, तो आप एक्टिव स्किल में कोई सा भी कैरेक्टर रख सकते हो। फ्रेंड्स जो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है जोसेफ प्लस कैली प्लस हयातो। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपकी हेल्प करेगा आपके शॉर्ट रेंज में मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने में, एंड जिससे कि आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो फाइट करते टाइम इंक्रीज हो जाएगी जोसेफ की मदद से, एंड हयातो भी आपकी हेल्प करेगा इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। सो फ्रेंड्स अब जो हमारा सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है डीबी प्लस कैली प्लस हयातो। सो फ्रेंड्स जो आपको हयातो है वो रखना ही है, क्योंकि जो आपका हयातो है वो आपके शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा मदद करता है एंड रशर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डीबी है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी मूवमेंट स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाने में, क्योंकि आप जब भी डीबी लगा के मूवमेंट करके एनिमी को मारोगे तो जो आपकी मूवमेंट स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी 45% तक चले जाएगी, जिससे कि आप जो शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज भी अच्छा खासा फाइट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पर। सो फ्रेंड्स ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा यूज होता है रशर्स के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है मैक्सिम प्लस कैली प्लस हयातो। फ्रेंड्स अगर आप कैली यूज नहीं करते तो आप उसकी जगह दूसरा कैरेक्टर भी लगा सकते हो, जैसे कि एल्वारो या फिर आप एंड्रू भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स जो मैक्सिम है वो आपको हेल्प करेगा मेडिकेट मारने को जल्दी, एंड जो कैली है वो आपकी मूवमेंट स्पीड में हेल्प करेगी आपको जल्दी से भागने में भी मदद करेगी, एंड हयातो का तो आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है मोको प्लस कैली प्लस हयातो। तो फ्रेंड जो मोको है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी शॉर्ट रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में एनिमीज की लोकेशन बताने में आपके टीममेट्स को, एंड आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड जो कैली हयातो है वो हर रशर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो कैली है वो आपको तेज भागने में मदद करती है एंड हयातो आपकी शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स ये बात होगी हमारे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर रशर्स के लिए। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, एंड वो है बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर हीलिंग। अच्छा, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आता है वो है हमारा कैपिला प्लस मैक्सिम प्लस फोर्ड, एंड यहाँ पे आप एक्टिव स्किल में आलो क्या केमेज से जो आपके पास है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है अगर आप रैंक पुश करते हो या फिर हीलिंग बैटल करते हो सोलो टूर्नामेंट्स में, तो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि जो मैक्सिम है आपको तेज मेडिकेट लगाने में काम आएगा, फोर्ड आपका जो जोन का डैमेज है वो कम कर देगा, एंड कैपिला से आपको जो एक्स्ट्रा एचपी मिलेगी जब आप मेडिकेट लगाओगे। सो फ्रेंड्स ये हो गई बात हमारे हीलिंग्स कैरेक्टर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, एंड वो है स्ट्रेटेजिक गेम प्ले। सो फ्रेंड्स बहुत सारे प्लेयर्स को इस पॉइंट का बहुत इंतजार होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आता है स्ट्रेटेजिक गेम प्ले वाले प्लेयर्स के लिए वो है, सो फ्रेंड्स जो हमारा पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है मीसा प्लस कैली प्लस हयातो। सो फ्रेंड्स जो मीसा है वो अब बहुत ज्यादा यूज हो रही है टूर्नामेंट्स में, एंड आपने देखा भी होगा। सो मीसा इसलिए काम आती है क्योंकि अगर आपको कहीं जोन में जाना है या फिर आपको रोटेशन लेने, तो आप यहाँ पे बाड़ी की मदद से इजीली उसमें जाके आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो, एंड आपको जो एनिमी है वो इतनी जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएगा, एंड आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड आपको कार डैमेज भी कम पड़ेगा। सो फ्रेंड यहाँ पे मीसा प्लस एली प्लस है तो एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो फ्रेंड जो हमारा सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है फिर से मीसा प्लस कैली प्लस, यहाँ पे आपको लगा लेना है एल्वारो, एंड आपको बीस्टन पैड भी ले लेना है ताकि जो आपका नेड और दूर तक जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे जो एल्वारो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है ग्रेनेड एंड लॉन्चर का जो डैमेज है वो बढ़ाने में एंड इसकी रेंज बढ़ाने में, जिसकी मदद से आप सामने वाली टीम को इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, और वो टावर पे बैठी हो या किसी घर में छुपी हो। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। सो फ्रेंड जो हमारा थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है म्यूरो प्लस मोको प्लस हयातो। फ्रेंड जो ये कैरेक्टर
कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है एंड आप इसे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो म्यूरो है वो आपका हेल्प करेगा आपका डैमेज इंक्रीज करने में अगर आप किसी लॉन्ग रेंज गन से लोगे फाइट, एंड मोको आपको भी हेल्प करेगा एंड आपके टीममेट्स को भी हेल्प करेगा आने वाले एनिमीज की लोकेशन बताने में, वो कहाँ कहाँ है उन्हें टैग कर देगा जब भी आप उन पे फायर करोगे, या तो आपको हेल्प करेगा अगर आपकी शॉर्ट रेंज में फाइट हो जाती है। जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं मोटासा, इनमें से आपको जो कैरेक्टर पसंद है आप उसे यूज कर सकते हो प्लस कैरी प्लस आया तो एंड कोई भी एक्टिव कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हो। एंड अगर आप दासा यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दासा आपको हेल्प करती है रिकॉल कम करने में, एंड बहुत बार ऐसा होता है हमारा जोन रहता है हमें ऊपर से नीचे कूदना पड़ता है एंड वहाँ पे जो हमारी दासा है वो हमारा फॉल डैमेज भी कम कर देती है एंड हमारा रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है स्ट्रेटेजिक गेम प्ले के लिए। चल झूठा। सो फ्रेंड्स यही था हमारा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैंने रसर्स के लिए भी बता दिए हैं, हीलर्स के लिए भी बता दिया है, स्ट्रेटेजिक गेम प्लेस वालों के लिए भी बता दिया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्नाइपर वालों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो स्नाइपर वाले हैं उनको पता रहता है उन्हें क्या लगाना है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 कैरेक्टर ही है जो स्नाइपर के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कॉमेंट करके बता देना आप कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हो, एंड चैनल पर भी नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।